लाला, रऊफ लाला है उनका नाम। काम क्या करते हैं? काम क्या, गांजे का ड्रग्स वो ये काम करते हैं उन्हों, रियल एस्टेट है ये छे। कारोबार क्या करते हैं उन्हों? गांजा बेचते हैं उन्हों। और जो सो हमारी बहन घर पे तो टॉर्चर ना करे, टॉर्चर ना करके जो सो हमारी बहन के ऊपर हमला करे। घर पे हमारे जेंट्स कोई भी नहीं थे, इन्हों जो सो जेंट्स ने देख के हथौड़ी लेके बहन को मार डाले दो तरफ भी सर पे, तीनों को भी हमला करके गए। जोरू को भी मारा, दो सालियों को भी मारे, मेरे को भी मार के गए उन्हों। हमारी ये गुजारिश है कि उन कड़ी से कड़ी सजा देना। तो अभी उस्मानिया को यहाँ पर बोले पुलिस वाले, वहाँ पर बोले हम आपको उस्मानिया में यहाँ पर है पकड़ के लेके आए, यहाँ पर है उन्होंने यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये नाम बोलो जी, रौफ लाला नाम है, छतरीनाका पीएस में है, बोले तो आए हम लोग। उनको कोई भी नहीं मारे, कोई भी नहीं मारे हम लगा उन्होंने तीन हॉस्पिटल भेजा है। और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमारी बहन को बहुत उन्हों वो क्या बोलते हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं बहुत उन्हों। और तलाक दियो बोले तो भी तलाक नहीं देता बड़ा बंदा। वो कल अम्मा को, उनकी अम्मा उनके अम्मी को लेके आए थे, बहन को लेके आए थे, तलाक दियो वो तो नहीं दे रहा, ऐसे जुलुमा कर रहा। आज कर तू बोला मालूम, जो भी है मर्डर करता हूँ और घर पे लेके जाके रखता हूँ। अगर तेरे भाई ना दूसरे आए तो मुंडिया काट के बाहर फेंकता हूँ बोल के बोला ऊपर से। ये धमकियाँ दे रहा, धमकियाँ दे रहा। रॉडी शीटर है कि गुंडा है कि क्या है कि भाई ऐसे रिकॉर्ड है उनका, हर पीएस में रिकॉर्ड है उनका। पूरा खून में लिप्त पित हो ना, सीरियस है, सीरियस है बोलते हमारे को, सुने ना, डरा के रखने वाले। 6:30 बजे मेरी बहन के ऊपर हमला किया गया है, रौफ लाला नाम है। और जो इंसान है वो हैवान है, इतना ही बुरा तरीके से मारा है मेरे बहन को। 90% कोमा में चले गए मेरे सिस्टर। अभी उनका हस्बैंड भी डेड हो गया है, बेचारे बेवा ज़िंदगी जी रहे थे। अब उनको भी जो तो अल्लाह के पास पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वो हमारे भौनी है मेरे, हाँ, जो मैरिड करे अभी 6 मंथ हुआ मैरिड करके। उसके बाद एक्शन जो था अभी पीएस को आए, अभी उस्मानिया में ट्रीटमेंट इतना भी 90% पे छोड़ दे के हम लोग भाग के इधर आए। इधर कोई भी मम्मी हमारे अम्मी के पास कोई भी नहीं रहे हमारे पास। हमारे अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, ये बहन को फिक्सा आते हैं, ये मामू की बच्ची है मेरी, इन्हों जो तो पूरा खून में लिखपित हो गए। मैं भी पूरा शर्ट टी शर्ट पूरी खून में लिखपित हो गए, मेरे साड़ू भी खून में लिखपित हो गए। मारने की वजह कुछ भी नहीं, मेरे भौनी जो तो बहन जो वाइफ को उनकी वाइफ थी ना उनको मार रहे थे, तो कल से टॉर्चर चल रहा था। और जो तो गांजा नशा सब ड्रग्स पूरा टोटली लेते हैं उन्होंने, नहीं नहीं बेचते भी सेल भी करते हैं उन्होंने। हमारे को आज तक नहीं मालूम था ये जो करते तो कामा, जैसा हमारे को इन्फॉर्म हुआ तो हमारे बहनों के ऊपर अटैक कर दिए उन्होंने। और इनको आज तक 2 बार चाकू अटैक हुए थे, हम लोग का कुछ एक्शन नहीं लिए, मतलब एकदम नॉर्मल है बोल के खामोश बैठ गए थे। फिर कुछ कैसा है अभी चंद्रगुट्टा पीएस में भी केस करे थे तो माँ से भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं लिए, अभी माँ भी कुछ भी एक्शन नहीं करे। अब ये एक्शन हम करे थे, हम लोग बहना मिलके करे थे, मैं नहीं था, मैं भी आउट ऑफ में गया था, मेरी सिस्टर कह रही थी केस वहाँ, और वो जो पेशेंट है उन्होंने भी केस करे थे। क्या केस करे थे, जब क्या हुआ था? जब भी जानलेवा हमला था, चाकू उठा के मारने आया था तो लोग सेफ्टी कर दिए जब वो टाइम। अब ये कोई भी नहीं थे, अकेले बेचारे लेडीज थी बोल के ऊपर हमला कर दिए। कुछ भी एक्शन नहीं लिया, खाली पुलिस वाले आए देखे ठीक है बोल के चले गए, कुछ भी नहीं दिए। चंद्रनगुट्टा पीएस है ये, तो उसकी वजह से अब और हिम्मत बढ़ कैसा करें? हाँ, और हिम्मत और लेडीज को अकेला पाके पाने की कोशिश से जान लेना हमला कर दिए। एक तो बहन को तो 90% कोमा में डाल दिए मेरे को, हाँ? अब ये मारी सब बहन को, दोनों को कलीज बोल दियो ना मर्डर करते। हम लोग हाशम आबाद में रहते हम लोग। अभी ये जीएम छोनी कंदीकल गेट, ये हमारे मामू की बच्ची के घर में हुआ, ये वहाँ आके बैठे थे, पूरा खून में पूरी लिखपित हो हंडी, हाँ, हथौड़ी से इतना बुरा मारे, यहाँ एक मारे और यहाँ एक मारे, दो जगह मार के यहाँ की हड्डी तोड़ डाले यहाँ की। अभी क्या बोले अंदर पीएस होती है थोड़ी हमड़ी, हाँ, पीएस में क्या बोले? कंप्लेंट भी कराए, कंप्लेंट भी लिए तो एक्शन कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ से हमारे को।